मैं चुपके से शाही टोस्ट बना रही हूँ, तो देखती हूँ मैं पकड़ी जाती हूँ उन्हें। आई हैव अ सरप्राइज, डोंट गो इनटू द किचन बिकॉज ये मेरा सीक्रेट टास्क चल रहा है। जैसा जो आप लोग गेस नहीं कर सकते हैं, मेरा सालों से नहीं बनाया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मना कहती है तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी ठीक है, खुशी अपनी लाइफ में चल रहे हैं। अभी बना रही हूँ नाश्ता, नाश्ते में बना रही हूँ आलू का पराठा। पांडे जी जा रहे हैं ड्यूटी, तो फटाफट से बनाना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा है कि आलू का पराठा और दही दे दूँ उनको। और आज कृषि भी घर ही पे है, छुट्टी है उसकी, तो ये थोड़ा सा मैं स्पेशल नाश्ता बनाऊँ। तो सबसे फेवरेट मेरे बच्चों का आलू का पराठा है, उसके पापा भी खा लेते हैं, थोड़ा हैवी भी रहेगा, सो वही मैं बना रही हूँ, उनको जाना भी है। इधर आलू मैंने रेडी कर लिए हैं और बस फटाफट सब जा रही हूँ पराठे बनाने। तो यार पहला पराठा तवे पे जा चुका है और फटाक से पांडे जी अपनी वीडियो लेट हो जाएगा मुझे, इसे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, जल्दी जल्दी से बना। फ्रेंड्स गर्मी का लेवल देखिए, ये देखिए गर्मी का लेवल दिख रहा होगा आपको। रेडी हो गया पराठा दही और अब जा रही पांडे जी को रेडी देती हूँ, यानी कि लेट हो रहा है उनको। सो गाइस गर्मा गर्म नाश्ता मेरा भी रेडी हो गया, मैं भी नहा धो के आ गई और ये मैं आप लोग को भी दे रही हूँ, आप लोग भी इसको देखिए और बताइए टेस्ट कैसा है। आप लोग की भी है ये नाश्ता और मैं जा रही हूँ अपना ये दही और आलू का पराठा एंड रात की थोड़ी सी सब्जी बची थी वो मैंने ले ली। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट। मेरे घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ गए मुझे छोड़ करके। मीठी की तबीयत खराब हो गई, कल शाम से ही थोड़ी थोड़ी खराब थी, इस वक्त ज़्यादा खराब हो गई है। और उसकी दादी भी, इन लोगों को गले में खराश है, थोड़ा फीवर है, जुकाम है बहुत जोर का। और मीठी यहाँ पर चद्दर तान के सो रही है और उधर उसकी दादी सो रही है ड्राॅइंग रूम में, सो भी रही है, टीवी भी देख रही, खुशी भी उन्हीं के पास है। और मैं देख रही हूँ एक सीरीज जिसका नाम है तड़का, जी सिनेमा पे है और काफ़ी अच्छी लग रही है वो मुझे और मैं उसे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तड़का काफ़ी तड़केदार है सो मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ और मैं लेकर घूम रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, कॉफ़ी का पैकेट। मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने और पीते पीते मूवी की आगे की सीरीज इंजॉय करूंगी। सो व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, व्लॉग मैं ही करूँगी, व्लॉग में मीठी आज तो नहीं आने वाली, तबीयत खराब है। तो मेरी ब्लैक कॉफी तो बन गई और इसे आप भी पिया कीजिए बिकॉज सूजन है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, तो उसको कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भर भर के होता है, इसलिए दिन में एक बार तो कंज्यूम कीजिए इसे। पहले की दवा पानी पकड़ो, दवा खा लो ये वाली। फीवर से कैसा चेहरा हो गया है तुम्हारा, वही पीना जा बोले थे। नहीं ये हाँ उस डब्बे में रखा था, डाइनिंग टेबल वाले डब्बे में। एक ये खा लो, और मोंटी लुकास कहाँ है, एक वो खा लो, तुम दी थी दादी को, दिख नहीं रहा है वो। मोंटी लुकास सुबह दिए थे, नहीं है वो, दादी से पूछ कर उनको दवा, नहीं यार सुबह दिए थे शायद। अजीत रो दी थी कि मोंटी, रात को दिए थे कल, वो मोंटी लुकास की होगी। देखो एक इसमें से ले लो, मोंटी लुकास में से इसको भी एक खाओ, शाम तक ठीक हो जाओगी। हाँ, एक घंटे और सो एकदम सही हो जाओगी, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। पहली बार मेरी मम्मी बोल रही है, अरे पानी पियो, मुंह मिलेगा। मेरी मम्मी बोल रही है सो। हाँ तो क्या करूँ मैं, ऐसे मुंह बना बना घूम रही हूँ, लोग तो फीवर अच्छी पक जा रही है, मम्मा मम्मा करके, गर्मी हो रही है, गर्मी मौसम, गर्मी में चादर हो रही है। हाँ वही तो, फीवर जब उतरेगा अपने आप तुमको राहत मिलेगी, फिर सोना पड़ेगा। हाँ सोना पड़ेगा तभी ठीक होगा। मिट्टी को कुछ खाना भी है तो एक पराठा था, मैंने कहा उसको गर्म करके दे रही हूँ, खा लेगी थोड़ा आराम मिलेगा, दवा खा ली है उसने। और पराठे के साथ उसने मांगा है रेड चिली सॉस, बोली एकदम तीखा वाला सॉस देना, तो ये बहुत तीखा है, थोड़ा सा दे रही हूँ बस, ज्यादा नहीं दूंगी। ओए गिजा ये लो, बहुत तीखे वाला सॉस और पराठा, बहुत तीखा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में खाना, नहीं हमको ये चाहिए नहीं, वो जो बड़े सीसी वाला सॉस। तुम बोली हो बहुत तीखे वाला, पापा वाला जो लाया, नहीं जो बाहर से खरीद के आया, अब जो दे दी उसे खाओ। फ्रेंड्स मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि बीटी तो बनाएगी नहीं, बीमार हो गई है, अब तो बीमारी हो गई तो भाई कोई कैसे ही कहेगा कि तुम चाय बनाओगे, तो किचन में भी आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो इधर रख दी है मैंने चाय, यहाँ सेक रही हूँ ब्रेड, तो सब लोग चाय के साथ एक एक खा लेंगे। और मिट्टी को भी खाना है ब्रेड, बोल रही मुझे दे दो। और इधर मैंने उड़द की दाल भी गोई है, आज मैं दही वड़ा बनाना चाहती हूँ, तो मैंने थोड़े से बचे थे दाल, तो इतना तो बहुत है, क्योंकि ज्यादा बन जाता है तो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा ही भिगोया, थोड़ा था ही, सो दही भी जमाई है, तो आज बनाऊंगी दही बड़े थोड़े से। सबको चाय एंड ब्रेड दे दी और अब मैं अपना चाय लेकर के आ गई हूँ और चाय पी रही हूँ,
जैसे अभी बैठी हूँ, दीपक वगैरह जला दिया मैंने और अब हो गई है शाम। मैं बना रही हूँ दही बड़े, मैंने उड़द भी भूख कर रखी थी सुबह, आप लोगों ने देखी होगी और पता नहीं मैंने दिखाया तक नहीं, मुझे याद नहीं आया। सो मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल के दही बड़े, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है क्योंकि जितनी दाल थी तो अभी मैं पहले से फिलहाल पूरी ताकत के साथ फेटूंगी ताकि ये बैटर डबल हो जाए। मैं सोच रही हूँ छोटी सी रेसिपी दे दूं आपको। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ दही बड़ा, बनाना मैंने शुरू कर दिया है, जैसा कि आप लोगों को देखा ही होगा, आप लोगों ने मैंने दाल भी हुई थी पता नहीं, याद नहीं मुझे, देखा था कि नहीं आप लोगों ने। सो अब मैं इसे फेट रही हूँ और इसमें मैंने बस डाला है, पीसते वक्त मैंने एक चुटकी हींग डाली थी, ग्राइंड करने के बाद से मैंने इसमें जीरा और अदरक डाला है, तो अभी से फेट रही हूँ जब तक ये थोड़ा सा मतलब फ्लफी ना हो जाए, तो कुछ देर तक एक डायरेक्शन में इसको मैं फेटती जा रही हूँ। मैंने सोचा छोटी सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ इसकी, सो इसको फेटेगी फिट गया गाइस, और मैं छोटी छोटी टिप्स इसके आपको दूंगी और आप खुद देखिएगा कि मेरा दही बड़ा किस तरह का बन रहा है। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये शायद मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था, मगर मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया बना बना के। मैं बहुत ज्यादा हीट ऑयल में डालती थी मगर अब मैं नहीं डाल रही हूँ, और आज मैं मस्टर्ड ऑयल में भी नहीं बना रही हूँ, आज मैं रिफाइंड ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में बना रही हूँ। सो चलिए उसको बनाते हैं, ये पूरी तरह से रेडी है और मैं इसमें डालने जा रही हूँ इतना मैंने छोटा सा इसमें डाला हुआ है। सो अब मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या काम होता है। गैस पे मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रखा है, मैंने इसे ज्यादा गर्म नहीं किया है ऑयल को, और बस मैं इसमें बैटर डालती जा रही हूँ। ये देखिए ये पहले नीचे जाएगा और जैसे ही ये पकना चालू हो जाएगा अपने आप से ऊपर आ जाएगा। मैंने ना तो इसमें सोडा ऐड किया है, कुछ नहीं ऐड किया है, ये अपने आप से गाइस ऊपर आएगा, जैसे ये छोटा वाला आया है ना वैसे ही, और ये फूल फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब अपने साइज से डबल हो जाएंगे, अपने आप से फूल के वापस ऊपर आ गए हैं। और अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, मैं इसे चलाऊंगी भी नहीं, अब इसमें मैं हल्का सा पानी का छींटा डालूंगी। आप बोलेंगे कि ऑयल में क्यों डालना है, बट उसके बाद उसका मैजिक देखिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा मैं छींटा डालूंगी इसमें। अब ये ऐसा करने से ये अपने आप ही ऊपर आने लगेंगे, मतलब अपने आप घूमेंगे, मुझे इसे पलटे से पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइक। देखिए फ्रेंड्स ये खुद से टर्न हो रहे हैं, अपने आप ही टर्न होंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसका कलर चेंज नहीं होगा कितना भी आप इसे पकाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही फेटने की वजह से ये व्हाइट व्हाइट हो गया और ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये पक गया है पूरी तरीके से। फ्रेंड्स बहुत आवाज आ रही होगी और मेरी आवाज थोड़ी धीरे होगी बट सुनाई दे रही होगी, मैं चुपके से शाही टोस्ट बना रही हूँ, तो ब्रेड का सीरे वाला नहीं बनता है वही बना रही हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं पकड़ी जाती हूँ उंगली लेकिन नीचे पकड़ लेती है, फटाक से आ जाती है किचन में पता नहीं कैसे, लेकिन मैं अभी चुपके से बना रही हूँ, वो आए नहीं, वो ऐसे बीच बीच में आती रहती है, बट मैंने उसे डांटा है कि मुझे कौन आराम से खाना बनाने को डिस्टर्ब नहीं करूँ, तो मैं बना रही हूँ चुपके से। ये देखिए इधर मेरा ऑयल हीट हो गया है और इधर मैंने वो बना दिया है शीरा जो बनता है, और उसमें थोड़ा सा मैंने घीसा डाला हुआ है, तो अभी चलते फटाफट से, इतना सा ब्रेड है, तीन चार ट्रे है, इसी का बना देती हूँ। सो मैं अभी से यहाँ असेंबल करने जा रही हूँ, ब्रेड्स को रखती जाऊँगी, शीरा गिराती जाऊँगी, ब्रेड अभी गर्म है। थोड़ी थोड़ी सी मलाई इसके ड्रॉप्स इस पर डाली हूँ जस्ट फॉर डेकोरेशन, ज़रूरी नहीं है बट ये तो ऐसे ही टेस्टी लगता है। मीठी आप कृषि पापा दादी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं बिकॉज आई हैव अ सरप्राइज, बट प्लीज डोंट गो इनटू द किचन, सरप्राइज देखने नहीं जाना है बिकॉज ये मेरा सीक्रेट टास्क चल रहा है, मैंने इन लोगों से भी बोला अपने व्यूअर्स से भी, नहीं तो अब जाना नहीं है किचन। हाँ मुझे पता था तुम ही पहले आती हो किचन में, इसीलिए मैं इन लोगों को बोल दी हूँ कि मैंने सीक्रेट टास्क रखा है, अब तक ये बिल्कुल सीक्रेट है। तुम किचन में क्या देख रही हो, वहाँ देखने से कुछ होगा नहीं। चलो जी कृषि सब लोग एक पास, इसका हाथ पकड़ लो पहले, कृषि एक जगह इकट्ठा हो जाओ, आई हैव अ सीक्रेट टास्क फॉर यू एंड ऑल। ये मेरे हाथ काट रही दांत से, तो फिर हम मैं फिर आज के बाद कोई वो नहीं करूंगी,
बैठ जाओ सब लोग, टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, आवाज बंद करो। मम्मी हम लोग के लिए कार बुक की है। हाँ हाँ कार बुक की है। मेरे पास एक सीक्रेट सरप्राइज है, पांडे जी शर्ट की बटन बंद करिए, दिस इज नॉट गुड। अब मैं अपना टास्क पूरा करती हूँ और ये मैंने चुपके से किया है, कोई मानेगा नहीं, कोई इतना बड़ा काम कर दिया चुपके से बिना किसी के जाने। नहीं नो दही बड़ा, देखा गाइस मैं जीत गई। और ये है मेरी प्लेट, ले चलते हैं। अंदर क्या है, कुछ ऐसा है जो आप लोग गैस नहीं कर सकते हैं? गैस करो, गैस करो। बहुत दिनों से नहीं बनाया, मतलब बहुत दिनों मतलब मुझे लगा सालों से नहीं बनाया। चावल का नहीं, वो तो सबको दिखा के बनाया दही बड़ा, अभी तो दही में डाला भी नहीं है, वो पानी के अंदर है। तुम बताओ कृषि, डोसा। तुम बताओ कृषि, मुझे ये पता है कि तुम लोग ये गैस ही नहीं कर सकते हो, ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट। नहीं 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 मैं खोलूंगी। टन टडा, सोचे थे क्या कोई? ये देखो इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, बिकॉज ये मीठा बहुत पसंद करते हैं और मिष्टी बहुत दिन से पहले एक दो बार बोली थी काफी दिन पहले, लेकिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। कितना मस्त दिख रहा है ना, अभी के उठा लो। बहुत सारा ऑयल होता है, बहुत सारा शुगर होता है, इसलिए मैंने बनाया। इनको देखो, इनका स्नैप बनने लगा, कोई गेस नहीं कर पाया। कितने दिन में घर में कुछ अच्छा बना, क्योंकि हमको लगा ब्रेड खत्म हो चुका था। अच्छा, इतने दिनों में पहली बार अच्छा कुछ बना इनका, देख लो इनको। गाइस सेकंड्स नहीं लगे इसको खत्म होने में। सो कैसा बनाया बताइए आप लोग, मजा आया सरप्राइज देख के? बहुत मजा आया। ओके, क्या 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 तो खा लिया मैं, खा लिया अब मैं खा लूं। फ्रेंड्स सब लोगों ने शाही टोस्ट खा लिया और मेरा सीक्रेट मिशन सफल हो गया, और मैं अब जा रही हूँ बनाने डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी एंड रोटी चावल, जो भी बनेगा तो वो बनेगा। ये क्या, ये देखिए ये शरबत बनाने जा रही थी, ये तो हमारे वहाँ डेली ही बनता है, बट मैं डेली व्लॉग में दिखाती नहीं हूँ और पांडे जी अक्सर ही ऐसा गड़बड़ कर देते हैं, बहुत गड़बड़। लेकिन अंदर बेटा कोई बैठा नहीं ना, अंदर का तो कोई जानता नहीं है। तुमको अभी मन ही रहता है? हाँ खैर, बेल का सरबत डाइजेशन के लिए ठीक है, डाइजेशन के लिए ठीक होता है। फ्रेंड्स डिनर रेडी हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ चपाती सेकने के लिए, उधर बन रहा है चावल, क्योंकि वाली सब्जी थी और चावल सबको खाना था, दोपहर में कोई चावल नहीं खाता। मैंने बेसन की सब्जी बनाई है और बेसन की सब्जी काफी अच्छी दिख रही है, इसका ग्रेवी भी काफी गाढ़ा और अच्छा सा बना, मुझे लगा था गाढ़ा नहीं बनेगा मगर बन गया है। और अब जा रही हूँ सबको खिलाने के लिए, सलाद भी कट हो गया है, तो फटाफट से डिनर निकालती हूँ। वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए, इस तरह की पॉजिटिविटी। बाय बाय।